द केरल स्टोरी मूवी जो है मेरे भाई आजकल विवादों के अंदर बहुत ज्यादा घिरी हुई है, और इस पिक्चर को रोकने के लिए यानी केरल के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर कई याचिकाएं दायर हुई, पर कोर्ट ने कोई भी याचिका को सही नहीं माना। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने इस पिक्चर की जो कहानी के बारे में ये कहा है कि इस पिक्चर की जो स्टोरी है पूरी की पूरी मनगढ़ंत है, और साथ में ये भी बताया कि इस पिक्चर से पहले तक कश्मीर फाइल मूवी आई थी जो मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार थी, और ये भी कहा कि द बंगाल फाइल बनाने की कोशिश की जा रही है। पिक्चर की वजह से दंगे वगैरह भड़क सकते हैं, समाज के अंदर भाईचारा खराब हो सकता है, इसी वजह से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने इस पिक्चर को बैन कर दिया है। ममता बनर्जी पहली बंगाल की मुख्यमंत्री है जिन्होंने इस पिक्चर को बैन किया है। साथों साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि तमिलनाडु के अंदर इस पिक्चर को बैन नहीं किया गया, बट तमिलनाडु के जो मल्टीप्लेक्स थिएटर हैं उनके जो एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने ये तय किया कि अब हम इस पिक्चर को थिएटर के अंदर नहीं दिखाएंगे तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि इससे समाज के अंदर जो है यानी भाईचारा जो है खराब हो सकता है, दंगे लिटरली हो सकते हैं, इस वजह से तमिलनाडु के अंदर भी जो है इस पिक्चर को नहीं दिखाया जा रहा है। इसका उल्टा देखने के लिए मिला के मध्य प्रदेश के अंदर एमपी के अंदर इस पिक्चर को दिखाने के लिए इस पिक्चर के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है, जो इंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है उसको हटा दिया गया है, यानी कि टैक्स फ्री कर दिया है इस मूवी को कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को देख सके। इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जजाकल्लाह फॉर वॉचिंग।